और अभी की बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री को लेकर के जा रहा हेलीकॉप्टर कल शाम अजरबैजान के पास क्रैश हो गया था। और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इस क्रैश के बाद के अभी तक की जो खबर मिली है उसके बाद वो मलबा मिल गया है जहां पर यह क्रैश लैंडिंग हुई थी, हार्ड लैंडिंग हुई थी। और अच्छी खबर नहीं दिखाई दे रही है, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। इस वक्त बचाव दल ने इसको ढूंढ लिया है, बीते कुछ घंटों से इसको लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। पहली बार ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। जी देखिए, जो तस्वीर है ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है और जो रेस्क्यू टीम जो वहाँ पर ड्रोन के ज़रिए उस जगह की तलाश कर रही थी जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, वहाँ से ये पहली जो तस्वीर है वो निकल कर सामने आई है। और जिस तरीके से इस तस्वीर में दिख रहा है कि हेलीकॉप्टर का जो टेल है उसका छोटा सा हिस्सा ही साबुत नज़र आ रहा है और पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर जो है वो पूरी तरह से तबाह नज़र आ रहा है। और इसी के आधार पर ये कहा गया है कि कोई भी सर्वाइवर जो है वो इस हादसे में नहीं बचा है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति रईसी या विदेश मंत्री और उसके अलावा जो दो और शख्स उस पर सवार थे बाकी सहयोगियों के साथ उनकी हालत क्या है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उससे साफ जाहिर है कि यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और यही जानकारी स्टेट मीडिया की तरफ से भी दी जा रही है ईरान के। कादिम ने क्या और ये राष्ट्रपति गए कहाँ थे, जरा ये एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, ये वहाँ नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है ईरान का, वहाँ गए थे। एक डैम का उद्घाटन था, अजरबैजान के सीमा पर ये है। और वहाँ पर उद्घाटन के बाद ये विदेश मंत्री, वहाँ के गवर्नर और जो एक धर्मगुरु हैं, ये चार लोग इस तीन हेलीकॉप्टर्स के कॉन्वॉय में थे। दो हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो सही सलामत वापस पहुँच गए, लेकिन तीसरा गायब हो गया। आप ये सोचें कि करीब 15 घंटे लगे हैं इस रैकेज को, इस मलबे को ढूंढने के लिए। और इन 15 घंटों में कई तरह की खबरें आई। एक खबर यह आई कि दो लोगों से वहां पर बात हो गई है जो जहां पर यह हेलीकॉप्टर गायब हुआ है। उसके बाद फिर यह खबर आई कि ऐसा नहीं हुआ है। एक खबर यह चलाई गई कि सड़क के रास्ते जो राष्ट्रपति हैं वो निकल चुके हैं तेहरान के लिए। ये अलग अलग तरह की खबरें वहां जो ईरान में खलबली है इस घटना से उसको दर्शाती हैं। और पॉलिटिकली ये बेहद एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन अब जब इस तरह का फुटेज आ गया है, तुर्की ने जो ड्रोन भेजा था उसके जरिए पहले इलाका लोकेट हुआ, उसके बाद ये फुटेज जो है वो लोकेट हुआ, जिसको वहां पर रेस्क्यूअर्स जो है उन्होंने स्टडी किया, उसके बाद वहां तक पहुंचे। तो ये एक बेहद मुश्किल और कंफ्यूजिंग स्थिति ईरान के पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए है। मैं एक सवाल यहाँ पर, मैं एक्सपर्ट निष्ठा गौतम भी जुड़ी हुई। निष्ठा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कदम ने कहा कि तीन चॉपर थे, तीन का कॉन्वॉय था, दो सुरक्षित पहुंच गए और जिसका हादसा हुआ उसमें राष्ट्रपति थे, तो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आपको दिखाई देती है या बाकी में ये एक हादसा है? देखिए, जब कोई ऐसा हादसा होता है तो हमेशा अफवाहों का जो बाज़ार है वो गर्म हो जाता है। एंड स्पेशली जो अभी हालात मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जो बने हुए हैं, तो लोगों का ये कहना है कि शायद इसमें मोसाद का हाथ है और इसको अमेरिकी ताकतें जो हैं उनकी मदद के साथ में एक शायद असासिनेशन है। जैसा कि कुछ साल पहले हमने देखा, जो उनके जो एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी थे, और ये एक बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट था। तो यही अब सोच रहे हैं कि भाई एक राष्ट्रपति का जाना एक ऐसे हादसे में, और दो जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो निकल के आ चुके हैं, और चाहे ख़राब भी मौसम था तो यही एक हेलीकॉप्टर था जो जाना था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईरान, अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो या तो वो इतनी समय तक चुप रहने वाले नहीं थे अगर ऐसा सच में होता। लेकिन उसके बारे में एक दूसरा पहलू ये भी है कि ईरान एक युद्ध, ये पूरी जो आर पार की जो लड़ाई है उसको अवॉइड करना चाह रहा है, क्योंकि ईरान कैन नॉट अफोर्ड अ फुल ब्लोन, जो एक फुल स्केल जो एक युद्ध होता है वो अभी ईरान अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हो सकता है कि वो डाउन प्ले भी करें। उमा शंकर, अभी लोग यही जानना चाहेंगे कि अब ईरान में क्या होगा, क्या वहां का सत्ता का स्ट्रक्चर क्या है? जी देखिए, ईरान में जो है वो 50 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति को चुनने की जो व्यवस्था है वहाँ संविधान की जो धारा 131 है उसके तहत की गई है, और जब तक नए राष्ट्रपति नहीं चुने जाते हैं जो फर्स्ट डिप्टी होंगे वो कार्यभार संभालेंगे, उन पर ये जिम्मेदारी होगी कि वो नए राष्ट्रपति के चुनाव की देख रेख करें। लेकिन ये बाद की बात है, अभी आधिकारिक पुष्टि होना इस बात की बाकी है। और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जो बात यहाँ पर की जा रही है उस बाबत जानकारी ये भी आ रही है अमेरिका की तरफ से कि किसी भी तरह का फाउल प्लेस में नहीं हुआ
है। ये जो सीनेटर हैं अमेरिका के, जो सीनेट के जो मेजोरिटी लीडर हैं, उनकी तरफ से अभी अभी ये बयान आया है। इसके पहले भी अमेरिकी इंटेलिजेंस के जरिए ये जानकारी आती रही है कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं हुआ है। अगर फाउल प्ले होगा तो जैसा कि निष्ठा ने भी बताया कि सबसे पहले ईरान जो है वो अपनी तरफ से एक कठोर प्रतिक्रिया जो है वो देगा, लेकिन अभी क्योंकि एक सदमे की स्थिति है ईरान के लिए, जो वहाँ पे जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खुमैनी, उन्होंने साफ तौर पे कल से लगातार वो बार बार ये कह रहे थे कि दुआ कीजिए कि वो सकुशल हों, लेकिन अब जिस तरह की तस्वीर ये निकल कर सामने आ रही है, जिसको हम बार बार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर का एक छोटा सा हिस्सा ही साबुत बचा है, उसके अलावा पूरा हेलीकॉप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। ये फुटेज भी तब आया जबकि तुर्की ने अपनी तरफ से एक ड्रोन सुबह सुबह उड़ाया और उसके जरिए उस इलाके को लोकेट किया, और उसके बाद जाकर कई तरह की तस्वीरें आईं, धुंध से भरी तस्वीरें आईं, लेकिन जैसे जैसे मौसम साफ होता गया उसके बाद ये जो तस्वीर है वो साफ तस्वीर निकल कर सामने आई, और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि कोई सर्वाइवर वहाँ पर नहीं है। तो एक राजनीतिक जो एक हादसे के साथ साथ बहुत बड़ा राजनीतिक झटका भी ईरान के लिए, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से ईरान और इसराइल के बीच एक तनातनी का आलम चल रहा है, उसी बीच में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा देखने का कि क्या किस तरीके की जानकारी इस बाबत निकल कर सामने आती है और ईरान आधिकारिक तौर पर इस पर क्या कुछ कहता है।